الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تبارك وتعالى के लिए एहसान है तो एहसान का बदला वही उठाएगा जो मोमिन होगा।
एहसान का बदला वही अपनाएगा जो मोमिन होगा। अब जो मोमिन नहीं होगा वो शुक्राना भी नहीं पड़ेगा, एहसान भी अदा नहीं करेगा। तो समझ लेना कि जो नबी की मीलाद को मोहसिन मानते हुए अगर बैठ गया, अब मैं आगे नहीं बोलूंगा, जो बैठ गया, अब समझ लेना जो बैठ गया वो मैं नहीं, जिब्रील अमीन कहते हैं रब्बे काबा की कसम या रसूल अल्लाह कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने आपका जिक्र आसमानों पे किया है तो मैं आसमान पे जिक्र जब चल रहा था तो मेरे दिल में ख्याल आया। हालांकि वो ख्याल दीनी ख्यालात वैसा नहीं है जैसा कि हमारा ख्याल है, नहीं, क्योंकि वो नूरी मखलूकात में, वो एक तसव्वुरात है, वो एक ज़हनियात है, जो कि ख्याल आया कि मैं भी रसूल पाक से उस वक्त जाके मिलूं जब आपका जिक्र हो रहा हो। तो जो जिब्राइल नबी का जिक्र सुनने के लिए आसमान को छोड़कर मदीने की सरजमीन में आ सकता हो, तो एक मोमिन अगर नबी का जिक्र जहां हो रहा है अपने घर को छोड़कर मस्जिद नहीं आ सकता। अब अगर कोई आ रहा है तो कुछ रास्ते में तो मिलेंगे, जैसे कि जिब्रील के रास्ते में शैतान भी मिलता है, मिलेंगे ना, तो हमारे रास्ते में भी तो कुछ मिलेंगे, तो उनको इग्नोर करते हुए जाना हमारा कॉन्सेप्ट क्या है बस उसको देखो, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है उसको देखना। तो ये मीलाद की महफिल में अल्लामा जलालुद्दीन सूती अली रहमतुल्लाह को रिज़वान फरमाते हैं तफसीर दुर्र मंसूर में कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस रात को तमाम रातों से अफजल करार दिया, इस रात को अल्लाह ने तमाम रातों से अफजल करार दिया और जिक्र फरमाया। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। अल्लाह फरमाता है कि बेशक हमने कुरान मजीद को लैलतुल क़द्र में नाज़िल फरमाया और लैलतुल क़द्र हजार महीनों से अफजल। तो अल्लामा जलालुद्दीन सियोती फरमाते हैं कि लैलतुल क़द्र को अल्लाह ने इसलिए फजीलत बख्शी है कि उसमें कुरान पाक का नुज़ूल हुआ है। उस रात में क्या हुआ है? कुरान पाक का नुज़ूल हुआ है। तो जिस रात कुरान पाक का नुज़ूल हो वो रात हजार रातों से अफजल है। तो जिस रात में साहिबे कुरान का नुज़ूल हो वो रात कितनी रातों से अफजल हो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं, पांचवी सदी के मुजद्दिद कह रहे हैं, और बात मुजद्दिद कह रहे हैं, ये कोई आम फहम गली का मुल्ला नहीं कह रहा, ये मुजद्दिद कह रहे हैं, बिल इत्तेफाक मुजद्दिद है अल्लामा जलालुद्दीन सियूती। वो फरमाते हैं कि ये रात तमाम रातों से अफजल। तो जिस रात को एक हजार महीनों से अफजल अगर अल्लाह कह दे तो उस रात का तस्किरा कुरान में, तो ये सुन्नियों सुनो कि जिस रात का तस्किरा कुरान मजीद में इसलिए किया गया कि वो एक हजार रातों से अफजल है, तो हम सुन्नियों के दिल में इस रात का कितना तस्किरा होगा कि अगर सुन्नी पूरा साल भी इस रात का तस्किरा करता रहे तो वो सुन्नी का एहसान कभी नहीं जाएगा, वो सुन्नी अपने इश्क में डूबा चला जाएगा। यही वजह है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बे काबा की कसम खाते हैं कि नमाज फर्ज है, जिक्र फर्ज है। कुरान ने कहा कि मुसला, कुरान ने कहा कि मुसला तो सकात, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, जकात दो, फर्ज है ना। इसी तरीके से जिस तरह नमाज फर्ज है इसी तरह नबी से इश्क और मोहब्बत भी फर्ज है। जिस तरह नमाज फर्ज है नबी से इश्क और मोहब्बत भी फर्ज है। इसी बुनियाद पर एक आशिक रसूल नमाज भी पढ़ता है, नबी का मीलाद भी मनाता है। मुझसे किसी ने सवाल किया था, मैं लाइव आया था, मुझसे सवाल किया ये मीलाद कहां से साबित है, तो कुरान हदीस में तो इसका जवाब बहुत है, मेरी किताब भी है मीलाद मुस्तफा में, इसका बहुत सारे हदीस भी दिया हूं, मगर मैंने उनको एक ही जवाब दिया, जहां से सीरत सहाबा का जलसा मनाना साबित है वहीं से मीलाद मनाना साबित है। जहां से सीरत सहाबा का जलसा मनाना साबित है, जहां से यौम अबूबकर यौम सहाबा मनाना साबित है वहीं से मीलाद साबित है। अगर तुम सीरत सहाबा का जलसा मनाते हो तो उसके सबूत पर कोई दलील पूछता नहीं, पूछता क्यों नहीं पूछता, तुमको भी मालूम है कि मना सकते, जिक्र खैर है, तो हम क्या यहां पर जिक्र शर कर रहे हैं? यहां पर भी तो जिक्र खैर ही है, और जिक्र खैर ऐसा जिक्र है कि आओ मैं हदीसे पाक की तरफ चलूं, उसके बाद मैं अपने मौजू की तरफ आता हूं। हदीसे पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक हदीसे पाक सुनाता चलूं, बुखारी शरीफ में भी हदीस मौजूद है और ये हदीस मुस्नद अहमद बिन हंबल में भी मौजूद है, बाद में किसी हवाला पूछ
चाहिए तो ले लें। हदीस पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस सहाबा हैं, जिक्र कर रहे हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक जगह ऐसी है जो जगह के अल्लाह तबारक व तआला को इतनी पसंद है कि जब बंदा उस जगह पर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करता है तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला उसी वक्त बख्श दिया करता है, उसी वक्त बख्श दिया करता है। मेरे आका फरमाते हैं क्या है, कहा एक अगर महफिल किसी ने सजाया, सजाने के बाद जब महफिल सजाता है तमाम लोग इकट्ठे होते हैं, वहां हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम को अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देता है, ए जिब्राइल जा और जाकर देख कि मेरा बंदा वो महफिल सजा रहा है, किसका जिक्र कर रहा है, क्या जिक्र कर रहा है, क्या बोली बोलता है, किस अंदाज से बैठा हुआ है, किस नजरियात से बैठा हुआ है, किस ताल्लुकात से उसकी जबान पर बोली निकल रहे हैं। हजरत जिब्राइल आते हैं, आकर के उसी महफिल में बैठ जाते हैं। बैठने के बाद जब जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान पर जाते हैं, कब, जबकि वो महफिल समाप्त हो जाती है, वो महफिल खत्म हो जाती है, जब आसमान पर जाते हैं फरिश्ते पूछते हैं ए जिब्राइल कहाँ से आया है, अल्लाह हू अकबर, हज़रत जिब्राइल कहते हैं कि आपको कैसे मालूम कि मैं कहीं से आया हूँ, कहा आपके जिस्म से तो ऐसी खुशबू आ रही है जो खुशबू के मैंने आसमानों पर भी नहीं सुना है, मैंने आसमानों पर भी नहीं सुना है। अल्लाह हू अकबर कबीरा, फरिश्ते को जिब्राइल कहते हैं ए फरिश्ते मैं अल्लाह के रसूल का जिक्र जहाँ पर हो रहा था मैं उस महफिल में शामिल था, मैं उसी महफिल से आ रहा हूँ, अल्लाह ने उस महफिल में बैठने की वजह से मेरे जिस्म को मुअत्तर कर दिया है, मेरे जिस्म से ऐसी खुशबू पैदा हो गई है कि मेरे जिस्म से आप वो खुशबू जाती रही है। अल्लाह हू अकबर कबीरा, वो फरिश्ते कहते हैं ए जिब्राइल जरा मुझे भी गले लगा लो ताकि वो खुशबू मुझे भी मिल जाए, ताकि वो खुशबू मैं भी हासिल कर देता हूँ। अल्लाह हू अकबर फरमाते हैं, हदीस पाक सुना रहा हूँ, किसी गली की किताब की रिवायत नहीं बोल रहा हूँ, मुसलमानों जरा गौर से सुनना और अपने ईमान को और अपने एतकाद को जरा जाहिर करना कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के पास जब लेकर के जाते हैं और तमाम फरिश्ते जो जो भी हज़रत जिब्राइल को टच करते हुए जा रहे हैं सारे मुअत्तर होते जा रहे हैं, सारे मुअत्तर होते जा रहे हैं, यहाँ तक के हाथ में गैबी से आवाज आती है ए जिब्राइल तू गया था, तूने सुना, तेरे रसूल का जिक्र हुआ, मेरे हबीब का जिक्र हुआ। हज़रत जिब्राइल कहते हैं मौला करीम मैं गया वहां पर आशिक के रसूल बैठे हैं, जिक्रुल्लाह कर रहे हैं, जिक्र रसूल कर रहे हैं, जिक्र सहाबा कर रहे हैं, जिक्र औलिया कर रहे हैं, जिब्राइल गवाह है ना, कल कयामत का दिन होगा नबी पाक की रहमत जोश में आएगी, तमाम गुनहगार उम्मतियों को लेकर आएंगे, ए जिब्राइल गवाह है ना कि जितने भी लोग मेरे नबी का जिक्र कर रहे हो ए फरिश्ते और ए जिब्राइल गवाह है ना, ये रब्बे कदीर कह रहा है कि आसमान का फरिश्ता गवाह है कि मैंने उस शख्स को वही पर बख्श दिया कि अभी महफिल खत्म नहीं हुई, मैंने सारा बख्श दिया। ये किनका जिक्र है, नबी का, और नबी का जो जिक्र होता है ना अल्लाह तबारक व तआला उसको वहीं पर बख्श देता है, और ये हदीस है, हदीस, और इसी जिक्र को अहले सुन्नत भी लाते हैं, करिए आधे घंटे के बाद, इसी जिक्र को अहले सुन्नत क्या कहते हैं, मिलाद कोई आम हमारी फैक्ट्री से निकला हुआ लफ्ज नहीं है, मिलाद जो है ना जिक्रुल्लाह और जिक्रुल रसूल का नाम मिलाद है, और क्यों ना हो, इमाम नसई कहते हैं हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु 12 सहाबे किराम के साथ बैठे हुए मस्जिद में है, नबी पाक का गुजर होता है, पूछते हैं माविया क्या कर रहे हो, कहा या रसूल अल्लाह मैं अल्लाह का जिक्र कर रहा हूँ और आपकी विलादत का तज़किरा कर रहा हूँ, अल्लाह का जिक्र कर रहा हूँ और आपकी विलादत यानी मीलाद का जिक्र कर रहा हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माविया तुझ पर अल्लाह रहम कर दे, अल्लाह तुझे बख्श दे, मीलाद हराम होगा, नबी कहते क्यों मेरा मीलाद का बना रहा है, क्यों मेरा मीलाद बना रहा है, नहीं मालूम बिदअत है, नहीं मालूम शिर्क है, माशाल्लाह भाई तकबीर के दौरान जरा बंद कर दे तो बेहतर, नहीं मालूम, सहाबा ने मीलाद मनाया और मीलाद ये जिक्रुल्लाह का नाम है, और हदीस पाक यदुल्लाह अलल जमा यानी अल्लाह की जो
हक के लोगों पे होगी। अल्लाह की जो रहमत है अल्लाह की जो रहमत है इकट्ठे लोगों पर, यानी जो लोग इकट्ठे बैठे हुए उन पर अल्लाह की रहमत। और कैसे रहमत है इसकी तफसीर में अल्लामा इब्ने हजर फरमाते हैं कि जो लोग एक साथ बैठकर जिक्रुल्लाह करते हैं, और इससे उस चीज का भी सबूत मिलता है जो औलिया किराम इकट्ठे बैठकर अल्लाह का जिक्र करते थे ना, तो इस हदीस से इसका भी सबूत मिलता है। जो कहते हैं अहले सुन्नत के नजदीक सारी चीज का सबूत है, ऐसा नहीं कि हम बगैर सबूत के मनाते हैं, तो जिक्रुल्लाह का भी सबूत मिलता है। इसी बुनियाद पर मैं गुजारिश कर रहा हूं जो लोग बाहर बैठे हुए ताकि इकट्ठे लोग हो जाए, एक साथ हो जाए, ताकि अल्लाह की रहमत आप पर गिरे ना तो डायरेक्ट अल्लाह ताला बख्श दे आप। ये अच्छा नहीं होता, आप कुछ लोग वहां पे बैठे हैं, कुछ लोग वहां बैठे हैं, कुछ लोग नहीं सामने बैठ जाए। अरे जितना भी बैठे हो ना बड़े अदब और एहतराम के साथ। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं या रसूलुल्लाह, पूछा गया अबू बकर आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है, सबसे ज्यादा क्या पसंद है? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा माल पसंद, दौलत पसंद नहीं। आज अगर हम लोगों से कोई पूछा जाए ना तो कहेगा कि नहीं 1 करोड़ रुपए दे दो ना तो बड़ा मजा आएगा कि हम आराम से बैठ जाए। मगर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि मुझे सबसे ज्यादा पसंद ये है कि या रसूलल्लाह मैं आपके हुस्न जमान को देखता रहूं, दीदार करता रहूं। मैं पूछता हूं अबू बकर तुम्हारी माँ बाप आप पर कुर्बान, हुस्न जमान को देखने से क्या आपका पेट भर जाता है? पेट भर जाता है? कहा मेरा ही नहीं, कमोबेश 1,24,000 सहाबे किराम अगर नबी के हुस्न जमान को देख ले तो रब्बे काबा की कसम खाकर कहता हूं कि न उसे किसी ऐसी चीज की जरूरत पड़ेगी जिससे उसका पेट खाली रहे। अरे नबी के हुस्न में वो लज्जत है जो आजकल के किसी और चीजों में वो लज्जत नहीं। ये नबी का हुस्न है, कैसे नहीं? अल्लाह अकबर, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक का वो कमाल था जो नबी के हुस्न को देखते, नबी का जलवा अदा करते, नबी की चीजों को जिक्र करते। मगर क्या जाने आज कुछ लोग ऐसे पैदा हो गए हैं, खुदा रहा हम तमाम ये ज़हनो दिमाग लेकर चलना है कि आज उस रसूल की महफिल है जिस रसूल को अल्लाह ने रहमतुल्लिल आलमीन बना कर दिया। रहमतुल्लिल आलमीन, यहां पर दो जुमले हैं रहमतुल्लिल आलमीन। मैं तो यहां पर ये जिक्र नहीं करूंगा कि रहमत हाल है कि जुलहाल है कि क्या है नहीं है, क्योंकि वो समझेंगे नहीं। बस इतना कहूंगा कि एक माना रहमत का ये है यहां पर कि महबूब आप रहमत ही की वजह से आए, एक माना ये है कि आप रहमत ही की वजह से आए, और दूसरा माना ये है कि महबूब आपको अल्लाह ने इस हाल में भेजा कि आप सारी कायनात के लिए रहमत। दो माना है। अब अगर तमाम नबियों को अल्लाह ने शान अता फरमाई, तमाम नबियों को आराम अपनी लाइन पे आ, जमीनों जमा तुम्हारे लिए और तीनों मकान तुम्हारे लिए, ये मौजूद है मेरा जी। मैं अब आ रहा हूं एक्सप्रेस हाईवे से। महबूब से पहले जितने भी अंबिया आए, जितने भी नबी आए सब शान वाले, सारे की शान अल्लाह तबारक व तआला पहले से अता फरमा देता है तब दुनिया में महफूज करता है। यह अहले सुन्नत का अकीदा है कि बाद में भेजने के बाद नबूवत अता नहीं करता, अल्लाह पहले से नबी बना लेता है तब जाकर के दुनिया में महफूज करता है। यह अहले सुन्नत का अकीदा है, अपने भी हो गैर भी हो। इससे इस बात की भी तरदीद हो रही है जो लोग कहते हैं नबी को 40 साल के बाद नबूवत मिली, इसकी भी तरदीद है। अब जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी पाक को मैं एक यहां पर एग्जांपल दे दूं, उसके बाद अब यहां पर लोग बैठे हुए तब उसके बाद मैं लेकर आऊंगा। यहां पर लोग बैठे हुए अब मैं आया, मिसाल के तौर पर हजरत के सामने ये माइक लगा, ये वायर लगा, फला शख्स आए, यहां पर जितने भी लोग आए
अगर आपके सामने सारे लोग आए हो तो आपको उसके आने का वक्त तो मालूम होगा, ये माइक किस वक्त लगा रहे हैं ये भी मालूम, लोग कितने बजे आए हैं ये भी मालूम। क्यों? इसलिए कि आप सबसे पहले, आप अगर मस्जिद में पहले आए हो, मिंबर कब बना ये भी मालूम। अगर मस्जिद नहीं तैयार हुई है, आपने अगर आपके सामने ये मस्जिद तैयार हो रही हो तो आपको इस बात का इल्म होगा या नहीं होगा कि ये पाया कब बना, ये झूमर कब लगा, ये लाइट कब लगा, ये पंखा कब लगा, सबका इल्म होगा कि नहीं होगा, कि नहीं होगा, इसका कोई इनकार कर सकता है? अगर जो इनकार करेगा तो वो कहेगा कि सबसे बड़ा जाहिल, ये तो उसकी बेवकूफी होगी जो इनकार करेगा, है ना? समझ में आ गई ना बात? आ गई ना? बड़ी प्यारी बात की तरफ लेकर जा रहा हूं। नबी पाक को अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अव्वल मा खलक अल्लाह नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा किया। सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा किया। मैं पूछता हूँ या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने जब मेरे नूर को पैदा किया तो आपके नूर को रखा था कहाँ? रखा ना उस वक्त जमीन थी ना जमा, ना फलक थे ना सितारे, ना जन्नत थी ना दोजख, ना बहरों पर ना शजरो हजर, ना नश्तो कमल, कुछ नहीं था, तो रखा कहा? सिर्फ और सिर्फ वहदत इलाही, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई और दूसरी शय का वजूद नहीं, तो फिर रखा कहां? तो इमाम जलालुद्दीन सियूती फरमाते हैं कि अल्लाह ने जब अपने नबी के नूर को पैदा किया तो अल्लाह ने उस नूर को अपने कुर्बे खास में रखा, कुर्बे खास में रखा। मैं पूछता हूं या जलालुद्दीन सियूती, आगे बता दे कि क्यों रखा, क्यों रखा? तो फरमाते हैं इसलिए रखा कि महबूब मैं तुझे देखूं तू मुझे देख, महबूब मैं तुझे देखूं तू मुझे देख, इसलिए कि मैं तेरे सवार सवार कर देखूं तू मुझे सवर सवर कर दे, मैं तेरे जलवे को देखूं तू मेरे जलवे को दे, और मैं तेरे जलवे में इतना इल्म डाल दूं, इतना इल्म डाल दूं कि जब उसके बाद मैं 12 रबीउल अव्वल के सुबह सादिक को मक्का की सरजमीन पर भेजूं तो दुनिया तेरे चेहरे को देखकर ये कहने पे मजबूर हो जाए कि जब बनने वाले का ये आलम है तो बनाने वाले का आलम हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे अहले सुन्नत, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। और मैं यहाँ पर एक जो मिसाल दिया कि नबी का नूर सबसे पहले और नबी के अल्लाह के कुर्बे खास में, है ना, कुर्बे खास में कोई दूसरी शय, और तमाम उलमा का इत्तेफाक, कोई आए इनकार करने, आए इनकार करने, इसमें अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी ने कई दलाइल दिए, अल्लामा हम्मदी ने कई दलाइल दिए, अल्लामा नसफी ने कई दलाइल दिए, अल्लामा बैसारी ने कई दलाइल दिए, मुफस्सिरे ने किराम का इत्तेफाक, मुहद्दिसी ने किराम का इत्तेफाक है। सिर्फ एक बंदा है जिसने कहा कि यह हदीस सही है, एक बंदा, हम उसका नाम भी नहीं लेते क्योंकि इस महफिल में उसका नाम लेना हम अपने आप को बेअदबी समझते, नहीं लेते, मगर हम तो उसकी बात करेंगे जिसके सीने में इश्क रसूल है, मोहब्बत रसूल है, यही है ना। अब जब नबी के नूर को अल्लाह ने पैदा फरमा दिया, अपने कुर्बे खास में रख लिया, तो अब नबी के नूर के बाद, नबी के नूर के बाद जन्नत बनी होगी, दोजख बनी होगी, शजरो हजर बने होंगे, खुशकोत्तर बने होंगे, कमर बने होंगे, शम्स बने होंगे, तमाम जन्नत की तैयारियां बनी होगी। अब जरा बता कि जिसके सामने जो कुछ बना हो उसको उसका इल्म होगा या नहीं होगा? होगा ना भाई, नहीं होगा? अगर आप लोग भी कुछ बोलेंगे तो मजा आएगा, होगा ना? क्यों? इसलिए कि अगर हजरत के सामने मस्जिद बनी हो तो मस्जिद के पाए का इल्म इनको, मस्जिद के पंखा कब लगा है उसका वक्त इनको, मस्जिद के दरो दीवार में कैसी खलाई हुई है उसका इल्म उसको। तो अब जब नबी का नूर पहले हो गया, जब नबी का नूर
सामने चांद का वजूद हुआ, नबी को चांद का इल्म, नबी के सामने सूरज का वजूद हुआ, नबी को सूरज का इल्म, नबी के सामने जमीन का वजूद हुआ, नबी को जमीन का इल्म, नबी के सामने आसमान का वजूद हुआ, नबी को आसमान का इल्म, नबी के सामने जन्नत के पहाड़ों का वजूद हुआ, नबी को जन्नत के पहाड़ों का इल्म, नबी के सामने जन्नत के मोहल्लात का वजूद हुआ, नबी को जन्नत के मोहल्लात का इल्म, नबी के सामने बहरों पर का वजूद हुआ, नबी को बहरों पर का इल्म। यहाँ तक के अल्लाह ने मेरे नबी के नूर को इसलिए सबसे पहले पैदा फरमाया क्योंकि अल्लाह को मालूम था कि कुछ लोग ऐसे आएंगे जो नबी के इल्म गैब पर एतराज करेंगे। महबूब, मैंने तेरे को वजूद इसलिए बख्शा और तेरी सामने कायनात को इसलिए बना दिया कि जो लोग एतराज करेंगे उनसे कह देना कि ये वजूद तो मेरे सामने हुआ है, तमाम का इल्म मुझे हुआ है। इसीलिए कुरान में अल्लाह ने फरमाया, कुरान में जो अल्लाह ने फरमाया वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, यही वजह है कि अल्लाह ने वअल्लमका महबूब सिखा दिया। और ये मक्का में नहीं, अव्वल मा खलक अल्लाह उम्मी के पूर्व खास में ही है, खास में ही है। क्यों? अगर मानेंगे नहीं ना, ऐसा कैसे हो सकता है नबी ने नबूवत का इकरार तो नहीं किया, तो मैं पूछता हूँ तो नबी ने नबूवत का इकरार नहीं किया तो फिर मक्का के पहाड़ के पत्थरों को कैसे मालूम था कि नबी है? पत्थरों को कैसे मालूम था कि नबी है? ऊंटनियों को कैसे मालूम था हलीमा, बकरियों को कैसे मालूम था हलीमा थे कि नबी है? कैसे मालूम था? नबी को 40 कहा, इससे अच्छे तो पत्थर है जो अस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह। हमारा दिल तो पत्थर से भी कमजोर हो चुका है। क्यों? इसलिए कि बरसात में जब मेंढक बरसात होता है तो मेंढक कैसे उछलता है, वैसे जब मीलाद आता है तो कुछ लोग उछलते हैं। हमको ध्यान नहीं देना क्या कर रहे हैं, मत करना, अपना तुम करते जाना जो सुख को अच्छा लगे, अपना करते जाना जो अच्छा लगे। वरना वरना जब तक कपड़ा बनिए की दुकान में रहता है तो कोई पूछता नहीं है, वहां से लेके सर बेमामा बांध दो सुन्नत रसूल हो जाती है। क्यों? निस्बत का बड़ा मर्तबा होता है, उस कपड़े को कपड़ा मत समझ। जब तक बनिए की दुकान में था तो कपड़ा था, अब आशिके रसूल के सर पे आ गया तो इमामा बन गया। कपड़ा तो वही है, कपड़ा तो वही है, तो जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था या रसूल अल्लाह तूने मुझे शहीद के अनमोल कर। कपड़ा वही है, आदमी वही है, जात वही है, मगर जब निस्बत बाजारे मुस्तफा में बिक जाओ तो अब तेरा वजूद नहीं, बड़े की निस्बत का वजूद शुमार किया जाता है। यही वजह है, सलात वही है, बात वही है, 12 रबीउल अव्वल की निस्बत हो जाए तो असमत मिल जाए, निस्बत हो जाए तो असमत मिल जाए। शान रसूल, हम बड़े एहतराम करते हैं तमाम नबियों का, तिल कर रसूल फसल्ला बाजू में नमाज, कुरान कहता है कि हमने बाज रसूलों को बाज फसलत, सब रसूलों का एहतराम, सारे रसूल शान वाले। लेकिन उलमा मुहद्दिसीन मुफस्सरीन का इत्तेफाक है कि सारे रसूल की शान को एक पल्ले में रखा जाए और नबी मुकर्रम की शान को एक पल्ले में रखा जाए फिर भी नबी मुकर्रम की शान बढ़कर हो गई। क्यों नहीं, क्यों नहीं? मैं एक बार एक हदीस एक बात सुनाता चलूं, अल्लाह अकबर, बड़ी प्यारी है, ईमान ताजा हो जाए, बड़ी प्यारी हदीस एक बात, ईमान ताजा हो जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक आराबी आया, एक आराबी, आराबी समझते हैं, आराबी गांव में रहने वाले लोग, गांव में रहने, अभी ईमान नहीं लाया, अभी ईमान नहीं लाया था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस आराबी ने कहा, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, आप कोई ऐसी बात हमें दिखाइए कि आपके देखने से क्या है, ईमान ले आए, ईमान ले आए। कहा ठीक है बोलो। तो सारावी ने कहा, सारावी ने कहा वो जो फला दरख्त है ना, फला दरख्त, आप उसे कहिए तो आपके पास आएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और कहने लगे, मैं बोलूं कि तू जाके बोलेगा, मैं बोलूं। अबू नुएम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी किताब में जिक्र फरमाया, ये हवाले के साथ बोल रहा हूं, कोई ऐसी
अल्लाह के नबी बुला रहे हैं। अल्लाह हू अकबर। उस आरबी ने कहा मैं बोलूं, कहा तू जाके बोल। वो आरबी कहता है मैं उस दरख्त के पास गया और जाकर कहने लगा कि तुझे नबी बुला रहे। फरमाते हैं कि वो दरख्त आगे पीछे दाएं बाएं अकड़ा और अकड़ करके वो आकर के नबी के कदमों में गिर गया और नबी के कदमों में गिरा। अल्लाह ने उसे आवाज दी, सवाल अता किया, कहा या रसूल अल्लाह हुक्म फरमाइए। नबी ने कहा कि जाओ अपनी जगह जाकर के फिर से लग जाओ, अपनी जगह जाकर के फिर से लग जाओ। अब मैं यहां पर अभी से बात खत्म हो गई। अब यहां पर मैं एक जुमला देना चाहता हूं आप लोगों को। जुमला यह है कि अभी वो अरबी ईमान नहीं लाया था, अभी वो अरबी क्या है ईमान नहीं लाया था। वो जाकर के बोलता है कि नबी तुझे बुला रहे हैं, तो एक काफिर की बोली, अभी नहीं तू है अभी ना ईमान नहीं लाया था काफिर, एक काफिर की बोली पर वो आ गया, एक काफिर की बोली पर वो आ गया। तो अब यहां पर उलमा जो मुहद्दिसीन किराम है इस हदीस की तशरीह में फरमाते हैं कि अब वहां पर उस काफिर का मोल नहीं है बल्कि यहां पर इसी बात को इज्म कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इज्म कहा जाता है। मतलब यह है कि अगर कोई इजाजत दे दे तो अब बीच में रहने वाले को नहीं देखा जाता बल्कि बीच में रहने वाला सिर्फ जरिया बनता है, असली हुकूमत उस शख्स की चला करती है जिसने इजाजत दी है ना, असली हुकूमत उस शख्स की चला करती है। तो इसी से बहुत सारे मसाइल का हल हो गया कि अल्लाह नबी को शफाअत की इजाजत देगा, अल्लाह नबी को शफाअत की इजाजत देगा कि नबी तो अब वहां पर फरमाते हैं कि नबी सजदे में होंगे, बोली खुदा की होगी, नबी सजदे में होंगे बोली खुदा की होगी। तो अल्लाह के रसूल ने इजाजत दी थी कि नहीं अली को? अली को इजाजत दी थी और अली अलियों के सरदार, इजाजत दी थी। तो अब अली की बोली नहीं नबी की बोली। तो औलिया इकराम को जो हम वसीला बनाते हैं अल्लाह ने इज्म दिया है और ये हदीस कह रही है, कुरान कह रहा है, हदीस कह रही है कुरान कह रहा है, क्यों मैंने इजाजत दी। तो अब तुम लोग देखते हो कि वली हम देख रहे हैं इज्म, तुम विलायत को देखते हो हम इज्म को देखते हैं। विलायत तो है ही है लेकिन इज्म वहां पर अल्लाह का है कि वहां पर सवाल वली की होती है, इजाजत खुदा की हुआ करती है, सवाल वली की होती है इजाजत खुदा की होती है। तो वहां पर बताने का मकसद यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने और अल्लाह के रसूल ने क्या है उस शख्स को जो काफिर था इजाजत दी कि लाओ। तो बज़ाहिर को दिख रहा था कि ज़बान वो हिला रहा है लेकिन ज़बान मुस्तफा की थी और वो दरख्त भी पहचान गया कि मुझे कोई और नहीं कायनात का रसूल बुला रहा है जिसके सबसे तुफैल में मेरी हरियाली नजर आ रही है। यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम नबी का मीलाद मनाते हैं, नबी का तज़किरा करते हैं, नबी के जिक्र की महफिल सजाते हैं। और क्यों ना सजाए, इसलिए कि जब नबी का जिक्र हम करते हैं ना तो हमारी कोई यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर नबी का जिक्र को सजाए हैं बताओ किसी के दिल में ये है कि मुझे पैसा मिलेगा, मुझे कला मिलेगा, मुझे दिखा मिलेगा? नहीं, सब खलूस से है। और यही खलूस जो है ना अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में शफाअत का जरिया बना है, यही खलूस। और बड़ी खुशी हो रही है कि मैं पहली बार मुंगेर के गजवेल की सरजमीन पर आया हूँ, बहुत खुशी की बात है। अल्लाह तबारक व तआला यहाँ के तमाम सुन्नियों की हिफाजत फरमाए और दिन गुरु की तरक्की अदा फरमाए और इस मीलाद के सत्ते तो सैल में अल्लाह ताला को खूब तरक्की अदा। शान रसूल ये है कि अल्लाह ने वमा अरसलनाक इल्ला रहमतन लिलआलमीन, महबूब हमने आलिमों सारे आलिमों के लिए रहमत बना कर दी, आलमीन के लिए रहमत। यहां पर यह बात भी साबित है कि नबी सिर्फ यहां के लिए रहमत नहीं, आलमीन का मतलब होता है कि आलम की चार सूरत होती है, आलम नासू, आलम जबरू, आलम मलकू और आलम जबरू। अब ये जो आलम है हम लोग जिसमें
ठीक है, और एक आलम है आलम नासूर, वो आलम इसके ऊपर का जो मकाम होता है यानी दुनिया को छोड़कर जो अल्लाह होती इसमें चला जाता है उसके लिए भी अल्लाह के रसूल बने। एक आलम मलकूत है यानी फरिश्तों की दुनिया, वहां के लिए भी अल्लाह के रसूल बने, और एक आलम हकीकत है यानी इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान उनकी उलूहियत में दाखिल हो जाता है। लिहाजा इसी बुनियाद पर हम सुन्नियों का अकीदा यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सुन्नी सही अकीदा के कब्र में तशरीफ लाते हैं। मगर इसमें बहुत सारे लोग ये कह देते हैं हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह तबारक व तआला के रसूल जो है अपनी जाहिरी जिस्म के साथ तशरीफ नहीं लाते। आपका जाहिरी जिस्म जो है वो मस्जिद नबवी हुजरे आयशा जहां पे आप आराम फरमा हैं वहां मौजूद है, और अल्लाह के रसूल रूहानी एतबार से तमाम के कब्रों में आते हैं। ऐसे ही इसको ही हाजिर व नाजिर का अकीदा कहा जाता है। हमारा बिल्कुल अकीदा नहीं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिरी जिस्म के साथ आते हैं, बात ध्यान रखें। वैसे ही जो नाथा वगैरह जो इशारे से नाथ पढ़ते हैं कि हमारी महफिलों में नबी आ गए हैं, नबी आ गए हैं, नबी आ गए, ऐसा इशारा करना भी हराम है, जरा ध्यान रखना। मैं उन नाथानों से कहना चाहता हूं कि जो पढ़ रहे हैं नहीं, इस तरीके से इशारा नहीं, ये बेअदबी है, ठीक है। हमारा अकीदा ये होना चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नाथानी को सुन रहे हैं, अगर वो चाहें तो अपनी आलम रूहानियत के साथ वो आ सकते हो, ऐसा इशारा नहीं किया जाएगा। वरना कोई बैठा है अगर इशारा करेंगे तो इसका ये मतलब तो नहीं कि हमारे पैरों के नीचे माज़ अल्लाह नहीं है ना, नहीं, ये सब ध्यान में नहीं रखना। क्यों? इसलिए कि इस्लाम जो है हक्कानियत को बयान करने से रोकता नहीं, और हम सुन्नी जो है अल्हम्दुलिल्लाह नबी के नाम पर मर मिटने वाले हैं और नबी के नाम पर मिलाद मनाने वाले हैं। अब जिनको मिलाद से चिढ़ हो वो मिलाद मना बैठे, हमको उनसे कोई लेना देना नहीं, हमको उनसे कोई सरोकार नहीं, मगर मेरे नबी की शान वो शान है, मेरी नबी की जबान वो जबान है कि अल्लाह हू अकबर कबीरा। आपको मालूम होगा हिजरत की वो रात है, वहां पर दो शख्स है, एक वो शख्स है जिसको नबी ने अपने कांधों पे उठाया और एक वो शख्स है जिसने नबी को अपने कांधों पे उठाया, और वो कौन? हजरत अली है और हजरत अबू बकर सिद्दीक। हजरत अली को नबी ने अपने कांधों पे उठाया और हजरत अबू बकर सिद्दीक वो है कि नबी को हजरत अबू बकर ने अपने कांधों पे उठाया। हिजरत का वाकिया मालूम होगा, लेकिन यहाँ पर नबी के हुस्न की बात है। जरा मैं बयान कर दूं, मेरे जहन में बात आ गई तो मैं बयान करता चलूं। हिजरत का वाकिया मालूम है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कुफारे मक्का ने मारने के लिए घेरा था तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्राइल को भेजा और कहा या रसूल अल्लाह आप हिजरत कर लें क्योंकि यहाँ पे कुफारे मक्का आपके जान के दुश्मन बने हुए हैं, चारों तरफ से आपके घर को घेरा जा चुका है, आप बाहर निकलेंगे तो आपको कत्ल कर दिया जाएगा। हजरत जिब्राइल ने कहा अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे चंद आयत करीमा सूरह यासीन की लेकर भेजे हैं, आप एक रेती लें और उस पे पढ़ दें और बाहर निकाल करके फेंक दें, जिस पे वो कंकरी लगी होगी वो सारे के सारे आप देख नहीं सकेंगे, आप बाहर निकल जाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब हजरत जिब्राइल सूरह यासीन को लेकर आए और लाने के बाद नबी पाक ने कंकरियों में सूरह यासीन की आयत करीमा की तिलावत किया, और तिलावत करने के बाद जब कुफारे मक्का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में तलवार और तेजे को लेकर के खड़े हुए थे, नबी पाक लेकर के उन पर फेंक दिया और उनके दरमियान से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ ले गए। सब लोग मौजूद है, नबी को देखा नहीं। उसे फेंकने को कुरान मजीद ने कहा वमा रमैता इज रमैता वलाकिन अल्लाह रमा, महबूब जो आपने फेंका आपने नहीं फेंका, वलाकिन अल्लाह रमा लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने फेंका। देखो शान रसूल की, फेंक रहा है मुस्तफा लेकिन निस्बत अल्लाह अपनी तरफ कर रहा है, मतलब ये बयान कर रहा है कि ए लोगों सुनो मुस्तफा की जात वो जात है कि अगर तुमने मुस्तफा के बारे में जरा सा भी अपनी जबान को लबकुशाई किया तो तुम खुदा की शान में गुस्ताखी करता हुआ नजर आएगा। तो लिहाजा मालूम यह हुआ नबी पाक सल्लल्लाहु
हजरत अली को सुना देंगे। जाने से पहले नबी पाक ने हजरत अली से कहा, अली मैं हिजरत करके मदीना जा रहा हूँ, तुम सुबह उठ करके मक्का में ये फला फला चीज मक्का वालों को दे देना जो अमानते हैं, और उसके बाद तुम मदीना चले आना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत अली ने लबैक कहा। हजरत अली से पूछते हैं, ए अली क्या आपको डर नहीं लगा कि आपकी मौत हो जाएगी, क्योंकि कुफार मक्का चारों तरफ से तलवार लेकर नबी को घेरने के लिए दौड़े थे, क्या आपको डर नहीं लगा कि आपको मर जाएंगे? हजरत अली ने कहा, रोजाना सोता था तो मुझे डर लगता था कि सुबह उठाऊ में फिर उठ पाऊंगा, रोजाना सोता था तो मुझे डर लगता था कि उठ पाऊंगा कि नहीं उठ पाऊंगा, लेकिन आज अगर अली से पूछा जाए तो आज अली को कोई डर नहीं लग रहा है कि सुबह मौत होगी या नहीं होगी। कहा कैसे? कहा नबी ने कहा कि सुबह उठोगे। सुभान अल्लाह। कहा नबी ने कहा सुबह उठोगे, मक्का जाओगे और मक्का में अमानतें तकसीम करोगे, उसके बाद मदीना होगे। अली की मौत इस दरमियान नहीं हो सकती, मदीने के बाद आने के बाद हो जाए तो बाद की बात है, अभी नहीं होगी। अल्लाह अकबर। वो सहाबा नबी बोल दे, नबी बोल दे तो अली एतराज ना करे, लेकिन आज अगर सुन्नी नबी की शान बयान करे तो कुछ लोग कहते हैं कौन सी किताब में लिखा, कौन सी हदीस में लिखा, ये हदीस ज़ईफ है, ये फला है, ये बिदअत है। अरे बिदअत कहने वालों, जरा उन सहाबा की जात को सोचो जिस सहाबा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुआमे देहन को पी लिया, तो बिदअत नहीं समझा। नबी के वजू का बचा हुआ पानी अपने माथे और सीने को लगाया तो बिदअत नहीं समझा। बाद सहाबा ने नबी के पसीने मुबारक को इत्र लगाया तो बिदअत नहीं समझा। और तुम आज नबी की शान अगर बयान कर रहे हो तो बिदअत कह रहे हो। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की बात, साथ हिजरत करने के लिए तशरीफ ले जाते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक और नबी पाक हैं, ये पाक हैं, रास्ते से गुजर रहे हैं। जब जाते हैं गुजरने के बाद और वो रास्ते में एक झोपड़ी मिलती है, एक झोपड़ी मिलती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को नबी पाक ने कहा, अबू बकर कुछ खाने के लिए है? हजरत अबू बकर ने कहा, या रसूलल्लाह कुछ खाने के लिए नहीं है। कहा ठीक है, वो झोपड़ी है ना, देख रहे हो ना, जाओ और जाकर के कहना कि कुछ खाने के लिए है तो वहां से लेकर आना, कुछ खाने के लिए है तो वहां से लेकर आना। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु उस झोपड़ी में तशरीफ ले गए और जाने के बाद उनसे पूछा, एक झोपड़ी में वहां एक बूढ़ी औरत रहती थी, एक बूढ़ी औरत रहती थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि मैं उस झोपड़ी में गया और पूछा कि कुछ खाने के लिए है, तो उस बूढ़ी औरत ने कहा, नहीं नहीं मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं है, मेरे पास तो सिर्फ एक बीमार बकरी है जो दूध भी नहीं देती है, और हमारा शौहर जो है वो बाहर गया है, हम लोग इसी बीमार बकरी के दूध को थोड़ा बहुत निचोड़ लेते हैं और हम मियाँ और बीवी दोनों इसे खा लेते हैं, हमारे पास तो कुछ खाने के लिए नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ये पैगाम लेकर पहुंचे, या रसूलल्लाह उस बुढ़िया उस झोपड़ी में कई बुढ़िया रखी है और वहां पर एक बूढ़ी औरत है और कह रही है कि मेरे पास एक बूढ़ी ऐसी बकरी है जो दूध भी नहीं देती है, हमारे पास कुछ खाने के लिए नहीं है। नबी पाक मुस्कुराते हैं, कहते हैं अबू बकर चलो मैं चलता हूँ और उनसे पूछता हूँ। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां गए और जाने के बाद उस बूढ़ी औरत से पूछते हैं, अब अम्मी जान जरा बताओ कि कुछ खाने के लिए है? अल्लाहु अकबर कबीरा। वो बूढ़ी औरत का जवाब वही होता है कि मेरे पास तो कुछ खाने के लिए नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक बूढ़ी ऐसी बकरी है जो कम दूध देती है जिससे हम अपने मेरा और अपने शौहर का गुजारा कर लेते हैं, माँ और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। नबी मुस्कुराए और उस बूढ़ी औरत को कहा कि ठीक है एक बर्तन लेकर आओ, एक बर्तन लेकर आओ। उस बूढ़ी औरत उठती है और उठने के बाद लकड़ी का एक बहुत बड़ा प्याला लेकर आती है, लकड़ी का एक बहुत बड़ा प्याला लेकर आती है। अब यहाँ पर उलमा एतराज करते हैं कि जब उस बूढ़ी औरत को मालूम था कि मेरी बकरी बूढ़ी है दूध नहीं देती है तो फिर बड़ा ऐसा प्याला लाकर लाने की क्या जरूरत है, भाई छोटा ऐसा प्याला लाते तो कम दूध है। तो उलमा फरमाते हैं बकरी का अगर चे बूढ़ी थी लेकिन उस औरत ने जब नबी की जबान को सुना, नबी की जबान को सुना तो नबी पाक के हुस्न का मुलाहिजा कर लिया, नबी पाक के हुस्न का मुलाहिजा कर लिया और उस बूढ़ी औरत के
दिल में ये ख्याल आया कि जिसका हुस्न इतना हसीन हो सकता है कि मुझसे जो बर्तन मंगा रहा है अल्लाह का करम हो जाए और ये पूरी बकरी भी दूध देने नजर आने लगे। और उस औरत का नाम क्या है मालूम? उस औरत को उम्मे मावत कहा जाता है। आपने इसका वाकया सुना होगा, उम्मे मावत की बकरियां। उम्मे मावत कहा जाता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बकरी के थन को हाथ लगाया, उस बकरी के थन को हाथ लगाया और उसके बाद कहा अबू बकर इस बकरी से दूध दुलो, इस बकरी से दूध दुलो। उस वक्त कहते हैं कि लकड़ी का बहुत प्यारा प्याला था। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि मैं हाथ लगाता था, अल्लाह की कसम मैं जैसे ही हाथ लगाया वो बकरी इतना दूध देने लगा वो भर गया, वो भर गया। नबी पाक ने कहा अबू बकर आप पी लो, मुझे भी पिलाओ। अबू बकर ने पिया, नबी पाक ने पिया, उस बूढ़ी औरत को भी पिलाया और पिलाने के बाद उस बूढ़ी औरत को कहा कि अब तू पीते जाना अल्लाह खत्म नहीं करेगा, सुभान अल्लाह, अल्लाह खत्म नहीं करेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक सैराब हो गए और चल दिए इधर उम्मे मावत के घर। अबू मावत उनका शौहर आता है, जैसे ही घर के दरवाजे में अपना कदम रखता है देखता क्या है कि घर से एक प्यारी प्यारी खुशबू आ रही है, ऐसी खुशबू जो इससे पहले कभी नहीं सूंघी है। वो अपनी बीवी के पास जाता है, कहता है आज तो घर का माहौल बदला बदला से नजर आ रहा है, आज घर में खुशबू है। उम्मे मावत जरा बता कि तेरे घर में कोई आया था? उम्मे मावत कहती है आया तो था, एक ऐसा शख्स आया था जिसके चेहरे से उसने जमाल की रौनक चमक रही थी, आज उसका नाम नहीं पूछी हो, उनके अलावा को नहीं देखी हो, हाँ मैंने उनका चेहरा देखा है, मैंने उनका चेहरा देखा। अब जरा बता कि बकरी को भी मालूम है कि नबी हाथ लगा दे तो दूध कितना देना है, नबी हाथ लगा दे तो दूध कितना देना है ये बकरी को भी मालूम है। और आजकल के कुछ लोगों को मालूम नहीं है कि नबी की शान क्या है। हम तो कहते हैं ऐसे लोगों से वो बकरी अच्छी है जिसको नबी ने हाथ लगा दिया है ना भाई, कि नहीं है? सही है ना। अबू मावत कहते हैं बता, कहा मैं तो नाम नहीं मालूम लेकिन हाँ मैं इतना जानती हूँ कि उसमें एक आका था एक गुलाम था। कहा तो कैसे पहचानी? कहा इस तरीके से पहचानी कि आका कुछ बोलता था और उनकी जबान की बोली अभी खत्म नहीं होती थी, गुलाम कर देता था। आका बोलता था, जबान की बोली अभी खत्म नहीं होती, गुलाम कर देता। कहा हाँ एक आका हो गया गुलाम। कहा और बता, और बता उनके हुस्न के बारे में बता। कहा उनका हुस्न तो मलीह था, जिसके बारे में आला हजरत फरमाते हैं मलीह दिलारा हमारा लगा। और मलीह किसको कहते हैं मालूम? आप लुगत में जाकर पढ़ोगे, डिक्शनरी जाकर पढ़ोगे तो मलीह उस हुस्न को कहा जाता है कि एक बार देखे तो उसके दिल में वो हुस्न बस जाए, उसको मलीह कहा जाता है। एक हुस्न ऐसा होता है, एक हुस्न ऐसा होता है कि एकदम बिल्कुल गोरा होता है जो देख करके होता है, और एक हुस्न ऐसा होता है जो ज्यादा गोरा तो नहीं होगा लेकिन उसके हुस्न में वो चमक वो रौनक कि जैसे आप देखेंगे तो आपका दिल जो है दिल में वो हुस्न बस जाए। कहा हां वो ऐसा था जिनका हुस्न मलीह था और मेरे दिल में अभी भी उसके हुस्न की रोशनी चमक रही। कहा उनके बाल जो थे बहुत ही खूबसूरत ऐसे मालूम होते थे जैसे कि आसमान में सितारे नमदार हैं। जब वो बोलता था तो बोलने से ऐसा महसूस होता था कि वो बोलते जाए और कोई सुनते जाए, और जब वो खामोश होता तो ऐसा लग रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इतना करम कर दिया है कि अल्लाह तआला का करम उन पर हमेशा लग जाए। कहा अब तू तो वही चीज बता रही है जो मैंने नबी आखिरुज़्ज़मा के बारे में पढ़ा है। कहा हो सकता है ये नबी आखिरुज़्ज़मा ही होगा, अल्लाह को अकबर कबीरा। कहा हाँ मुझे भी लगा कि नबी आखिरुज़्ज़मा है लेकिन मैं उनके हुस्न को देखकर इतनी फरेख्ता हो गई कि मेरा दिल मेरा दिमाग मेरा चैन मेरा तमाम चीज उनके हुस्न पर फिदा हो गया। रब्बे काबा की कसम अगर सारी जिंदगी कोई और मेरे
ये था उस नबी का, ये उम्मे माबत का अकीदा है। मैं माबत का अकीदा है कि नबी के हुस्न को देखकर, नबी के जमाल को देखकर क्यों ना हम करें, क्यों ना हम समझें, क्या बयान करें, क्या बोले। नबी की शान को देखो तो अलग, नबी के इख्तियार को देखो तो अलग, नबी के मुजज़ात को देखो तो अलग, नबी के हुस्न को देखो तो अलग। एक एक चीज पे उलमा और मुहद्दिसीन ने लाखों किताबें लिखी, उसके बाद भी लोगों को पता नहीं क्या पेट में दर्द होता है कि जब शान मुस्तफ़ा बयान होती है तो कहते हैं ये भी तथ्य है, ये फला है, ये लिखा है, और उनसे पूछा जाए कि तथ्य कहते कि नबी ने किया है, नबी के जमाने में था, वो भी तो नबी के जमाने में था, तू भी तो नबी के जमाने में नहीं था, मतलब तू भी बिदअत है। अगर तू भी बिदअत से बचना चाहता है नबी के जमाने में पैदा हो, है ना भाई। मगर हम तो वो अकीदा लेकर चलते हैं जो अकीदा के उलमा और मुहद्दिसीन का, और इसी अकीदे को लेकर बहुत सारे एतराज होते हैं। चिराग क्यों लगाते हो, लाइट क्यों लगाते हो। मैं पूछूंगा जिब्राइल से जाकर पूछ क्यों लगाया था, मुल्क शाम के मोहल्लात को क्यों रोशन किया था। हजरत आमना से पूछ कि आपके घर की आपके घर क्यों रोशन हुए थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब से पूछ कि आसमान पे डायरेक्ट आसमान से काबे पे रोशनी क्यों आ रही थी। हजरत आसिया से पूछ नबी की विलादत पर मुबारकबाद देने क्यों आई थी। हजरत आमना से पूछ के हूर और गिलमा आपकी बारगाह में नबी की विलादत से पहले क्यों आ रही थी। ये सब क्या है, ये शान नहीं तो क्या। मैं खुदा की बारगाह में पूछना चाहता हूं एक परवरदिगारा, जिस साल तूने मेरे हबीब को पैदा किया, आमना के पेट में मेरे नबी के नूर को मुंतकिल किया, जिस साल मेरा नबी पैदा हुआ, तो ए परवरदिगारा तमाम कायनात को तूने क्यों हुक्म दिया कि मेरे नबी के इज्जत के खातिर सारी दुनिया में सिर्फ लड़का ही पैदा होना। क्यों, हालांकि तेरा निजाम कुदरत तो यह है कि लड़का भी पैदा हो लड़की भी पैदा हो, लेकिन उस साल तूने सिर्फ लड़के ही को क्यों पैदा किया। आवाज आएगी इसलिए कि नबी की इज्जत मकसूद थी, नबी का एहतराम मकसूद था। क्यों, इसलिए कि नबी का एहतराम और नबी का इज्जत इसलिए मकसूद था कि अल्लाह बताना चाह रहा था ये कोई आम को मैं पैदा नहीं कर रहा हूं, ये उसको पैदा जिनके सदके में आदम को सफीयत का मकाम मिला मैं उसको पैदा कर रहा हूँ, जिनके सदके में ईसा को रूहुल्लाह का मकाम मिला मैं उसको पैदा कर रहा हूँ, जिसके सदके में हजरत इब्राहिम को खलीलुल्लाह का मकाम मिला मैं उसको पैदा कर रहा हूँ, जिसके सदके में हजरत मूसा को खलीलुल्लाह का मकाम मिला मैं उसको पैदा कर रहा हूँ, जिसके सदके में हजरत ईसा हजरत नूह को नजीउल्लाह का मकाम मिला। अरे ये वो नबी है जिनके सदके में तमाम अंबिया और यही वजह है, यही वजह है कि नबी पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी वो ज़ात है जिनके बारे में मेरे आका फरमाते हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस सहाबी फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मेरे आका के रसूल मेरे आका के सहाबी फरमाते हैं मा अजमलक अल्लाह अकबर, मां अजमल का मालूम कोई जमील नहीं, मां हसन का कोई हसीन नहीं, लम तरकत तो आई नहीं। क्यों, मेरी आंख ने देखा ही, मेरी आंख ने देखा ही नहीं, और कैसे देख, कैसे देख, क्योंकि नबी को अल्लाह ने, नबी की तरह अल्लाह ने किसी को पैदा ही नहीं किया। कान का खुलित तू कमा
जैसा आप चाहते थे। अब जरा बताओ कुरान में, कुरान में यही देखना महबूब, अल्लाह ने आपको वैसा ही पैदा किया जैसा आप चाहते थे। कान का खुली तक कमा तशा, और तशा ये शय से बना, तशा किससे बना है? शय से। और शय कैसा है कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शयइन कदीर, ये बेशक अल्लाह हर मुमकिन शय पे कादिर। और उसके बारे में सूरह यासीन में अल्लाह फरमाता है जब अल्लाह किसी चीज का इरादा करता है अय्यकूल लहू, उस चीज से कहता है कुन, हो जा, फयकून, तो वो शय हो जाती है। कल्ला वो शय क्या हो जाती है? हो जाती है। अब यहां पर जो शय है, शय यहां पर जो लफ्ज है शय है, अब वो शय यानी हो जाती है। वो शय क्या है? हो जाती है। और शय का माना मालूम क्या है? चाहत। शय का माना इन अल्लाह अला कुल्ली शयइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चाहे पे कादिर, यही तो बोलते ना हर चाहे। और शय से मुराद ये है हो जा, हो जाती है। इज़ा अराद अल्लाह अन यकूल लहू, यानी जब अल्लाह किसी चीज का इरादा करता है, इरादा करता है तो उस चीज से कहता है हो जा, यानी उस चाहत से कहता है हो जा, यानी अल्लाह अपनी चाहत को कहता है ए मेरी चाहत हो जा, हो जा। अब जब हो जाती है तो अब वो चाहत चाहत नहीं, अल्लाह की चाहत रहती, वो चाहत सिर्फ चाहत नहीं अल्लाह की चाहत। और अल्लाह ताला ने कान का खुले तक कमा तशा, अल्लाह ने नबी को ऐसे ही पैदा किया जैसे उसकी चाहा, जहां पर अल्लाह ने चाहा और वहां पे नबी ने चाहा, यहां अल्लाह ने चाहा वहां नबी ने चाहा। महबूब को बताना और दुनिया वाले को बताना ये है कि यहां खुदा की चाहत मुस्तफा है और मुस्तफा की चाहत खुदा, खुदा की चाहत मुस्तफा और मुस्तफा की चाहत खुदा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने वही चीज मैं बता रहा हूं, अल्लाह ने अव्वलु मा खलक अल्लाह नूरी, वहां पर चाहत दिया था तो महबूब तू मुझे देख मैं तुम्हें देखूंगा, तू मुझे देख मैं तुम्हें देखूंगा, और जब तेरा मेरा देखना हो जाएगा तो अपनी चाहत से कहूंगा ए चाहत कौन, ए चाहत कौन, तो जब मैं अपनी चाहत से कहूंगा ए चाहत कौन वो यकून, तो बारह नबी अव्वल को हो जाना, हो जाना। अब होना किस लिए? होना किस लिए? महबूब को अपने पास ही रखना, होना किस लिए? तो कहा होना इसलिए कि अगर नबी ना आते, अगर नबी ना आते तो खुदा को पहचानता हो, नबी ना आते तो खुदा को पहचानता को जानता को। महबूब हो जा, हो के करेगा क्या? तू मेरी पहचान करा कायनात में, मैं तेरी पहचान कराऊंगा, तू मेरी पहचान करा कायनात में, मैं तुझे पहचान कराऊंगा, मुझे अल्लाह समझ कर मैं तुझे बशीर और नजीर कहूंगा, तू मुझे मालिक कर मैं तुझे महबूब खालिक कहूंगा, तू मुझे हबीब तू मुझे अल्लाह कर मैं तुझे यासीन कहूंगा, तू मुझे रब कर मैं तुझे ताहा कहकर बुलाऊंगा, तू मुझे रहमान कर मैं तुझे यासीन व दुहा व लैले इज़ा सजा कहकर बुलाऊंगा, यानी तू मेरी तारीफ करता हुआ जा, मैं तेरी पहचान कराता हुआ जाऊंगा, और इतनी पहचान कराऊंगा कि जब दुनिया तेरा नाम लेगी, जब दुनिया तेरा जिक्र करेगी, जब दुनिया तुझे कहेगी, तो मैं उस जिक्र को कहूंगा वस्कुरुनी अस्कुरुकुम वस्कुरुनी वला तश्करो, तुम मेरा जिक्र करो मैं तेरा जिक्र करूंगा, मैं खुद का जिक्र भी खुदा का जिक्र बना रिसालत। ये है नबी की शान, ये है नबी की
बात बयान की जाए तो रात क्या जिंदगी भर नहीं बयान कर सकते। हजार बार वो स्वयं दहन का मुश्क गुलाब मुझे नाम तो गुस्तंग कमा ले मिला। नबी की शान क्या बयान करें, हम तो इसलिए बैठते हैं कि हम गुनहगार को अल्लाह के नबी की शान बयान करने के सबसे अल्लाह माफ कर दे। सुभान अल्लाह, आमीन। इसीलिए बैठते हैं, इसीलिए बैठते हैं कि कोई और वजह है। अगर कोई अपने आप को मुत्तकी कहता है तो पता चला जाए, क्योंकि नबी की महफिल है जिसके बारे में सहाबा किराम के बारे में जन्नत की खुशखबरी हो, वो सहाबा भी अपने आप को नबी के पास बैठने को भी अच्छी समझते हैं। क्यों? अब एक चीज बताता हूं, मैं इंशाल्लाह अपनी तकलीफ को समेट कर जाऊंगा। एक चीज बताता हूं, अजमत रसूल उसका नाम है कि अल्लाह तबारक व तआला के रसूल का तस्किरा हो, इस नियत और इस तरीके से करो कि अल्लाह तुम्हें अजमत अता करवाए, तुम्हें खुशनुमाई अता करवाए। सारी कायनात में, सारी कायनात में हर कोई ये जानता है कि नबी की शान और नबी की अजमत जो है वो दुनिया में इसलिए है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अजमत वाला बनाया। कुछ लोग हैं जो नबी को कहते हैं, नबी ने कहा मैं बशर हूं, मैं बशर हूं। नहीं, हमारा अकीदा यह है कि नबी जो है अल्लाह तबारक व तआला के रसूल, नूर भी है बशर भी, नूर भी है बशर भी। अब जरा देखना, मैं आखिरी बात लेकर के इंशाल्लाह समेटने की तरफ जाऊंगा। कुरान मजीद ने कहा, कुरान मजीद ने कहा ला तजालू दुआ रसूल का दुआ है बाजू बाजू, अपनी दुआ को यहां पर यह ला तजालू दुआ रसूल, अपनी दुआ को नबी की दुआ की तरह ना समझो, एक माना। दूसरा माना, अपनी पुकार को नबी के पुकार की तरह ना समझो, दूसरा माना। तीसरा माना, अपनी बोली को नबी की बोली की तरह ना समझो, तीसरा माना। मतलब यहां पर कुरान ये कह रहा है, कुरान ये कह रहा है नबी दुआ करे तो अलग है, तुम दुआ करो तो अलग है, तुम दुआ करो तो अलग है। कोई कहता है ना भाई, कोई कहता है ना, अरे तुम मस्जिद में भी बैठकर दुआ करोगे तो कबूल होगी। मस्जिद नबवी में जाने की क्या जरूरत? कुछ लाल रुमाल वाले कहते हैं, लाल रुमाल वाले कहते हैं कि नबी की बारगाह जाकर के दुआ क्यों करते हो, क्यों करते हो जाकर के दुआ। हम कहते हैं हम कहां करते हैं, हमारी दुआ नबी की दुआ, कुरान कह रहे अल्लाह तआला दुआ रसूल, नबी की दुआ को, अपनी दुआ को नबी की दुआ की तरह ना करना। मेरी दुआ अलग, नबी की दुआ अलग, मेरी दुआ अलग, नबी की दुआ अलग। अरे नबी दुआ कर दे तो सूखे में बरसात हो जाए, नबी दुआ कर दे तो पत्थरों में कलमा पड़ जाए, नबी दुआ कर दे, यही तो दुआ है ना, यही तो दुआ है ना। वरना बोल, वरना बोल, हमारी दुआ ऐसी है कि अगर हम बोले चले बोलता बोले बोलेगा, मगर काफिर के हाथ में भी पत्थर रहकर नबी के चेहरे को सिर्फ देख ले, बोले मुस्तफा ने सिर्फ देख ले तो अल्लाह बोयाई अता कर दे, जबान अता कर दे, जबान अता कर दे। पत्थर को नबी देख ले तो पत्थर में भी अल्लाह जबान, दरख्त को नबी देख ले दरख्त में भी जबान, पानी में नबी उंगली रख दे फव्वारे जारी। ये किसकी शान है, किसकी शान है? गली के मुल्ला की? किसकी शान है? गलियों में तबलीग करने वालों की? नहीं, ये शान उस नबी की है जिनके सदके में अल्लाह ने कायनात में वजूद दिया, ये शान उस नबी की है जिसकी दुआ को अल्लाह ने आम लोगों की दुआ के मुकाबले में आला अता फरमाया। तो इसीलिए तो फरमाया वला वन्नहुम इस सलमु अनफुसहुम जाओ फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। महबूबों के उम्मतियों, तुम कह रहे हो ना, कह रहे हो ना अपनी दुआ तेरी और है, तू गुनहगार, मगर महबूब तो मुख्तार,
महबूब तो मुख्तार है, तेरी दुआ रखो, नबी की दुआ रखो। नबी अगर कह दे, नबी अगर कह दे तो अब ये ना देखूंगा कि तेरे गुनाह कितने हैं, ये देखूंगा कि मेरा महबूब तेरे लिए सिफारिश कर रहा है। एक तो ये है, एक तो ये है कि नबी की दुआ और तुम्हारी दुआ अलग। नबी की दुआ, जब नबी की दुआ अलग अलग है, दुआ दुआ बराबर नहीं हो सकती, तो ये तेरे जैसा लोग नबी की तरह कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना। एक तो ये, दूसरा ये कि नबी जो पुकारे, नबी जिसको पुकारे, नबी के पुकार की तरह तुम अपनी पुकार को न बनाना, नबी के पुकार की तरह अपनी पुकार को न बनाना। नबी अगर अबुल कासिम का है तो तुम नबी को अबुल कासिम न कहना। नबी अगर अली को कहे कि अंता अखी फी दुनिया वल आखिरा, अली तू मेरा दुनिया और आखिरत में भाई है, तो नबी को अली का भाई ना समझना, नहीं समझना। नबी अगर कहे कि कासिम और इब्राहिम मेरा बेटा है, तो तू नबी को इनका बाप ना समझना। क्यों? कुरान कह रहा है मा काना मुहम्मद अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। मोहम्मद मर्दों में से किसी के बाप नहीं, बल्कि क्या पुकारना, खातमुन नबिय्यीन पुकारना, राहतिल आशिकीन पुकारना, रहमतुल लिल आलमीन पुकारना, सिराजुस सालिकीन पुकारना, मुरादुल मुश्ताकीन पुकारना। अरे जो नबी की शान जिस अल्फाज से जाहिर हो वो पुकारना। नबी की पुकार अलग, तेरी पुकार अलग। अगर नबी की जबान मुस्तफा की जबान से अगर कोई बात निकल जाए और तेरी जबान से भी वही बात निकले, तो कहीं ऐसा ना हो कि तेरी बात में कोई लचक आ जाए और अल्लाह को पसंद ना हो। अरे वो तो नबी है, तू तो उम्मती है। नबी की आवाज और उम्मती की जब आवाज बराबर नहीं, तो नबी और उम्मती कैसे बराबर। इतना भी नहीं समझा, इतना भी नहीं समझा, तो समझने के लिए आपको चाहिए इरादा, चाहिए तफक्कुर, चाहिए। और ये तफक्कुर जो है हमसे नहीं, हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान से पूछा किसी ने कि नबी का इश्क पैदा करना है तो क्या करें, नबी का इश्क पैदा करना है तो क्या करो। तो हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान फरमाते हैं कि दुरूद पाक कसरत से पढ़ा करो, दुरूद पाक कसरत से पढ़ा करो। और दूसरा क्या बताया, मीलाद की महफिलें सजाया करो, मीलाद की महफिलें सजाया करो। इतना बड़ा मुहद्दिस को इल्म नहीं है, और आजकल के गली के फिरने वाले मुबल्लिग को इल्म हो गया कि नबी का मीलाद मनाना शिर्क बिदअत। अरे एहसान मान हिंदुस्तानी कि तुझ तक जो हदीस पहुंची है ना, वो अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का फैजान है, वरना तू हदीस को भी नहीं जानता। आज हदीस को ले लिया और उनकी गोली को नहीं लिया। ये सबसे बड़ा बोलते हैं ना, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर, उसी में छेद कर। तो हम तमाम नबी की मीलाद को सजाना, नबी की महफिल पर झंडे लगाना, चिरागा करना, जो दिल में आए हलाल काम वो करो, जिससे इश्क जाहिर हो वो करो। मगर ऐसा नहीं, कुछ लोग क्या समझते हैं मालूम, आज की रात जगने की रात यही बोलते हैं। और जगते कैसे मालूम, कट्टों पे बैठ के जगते कैसे, बाइक ले लिए रात भर फिरेंगे। जगने की रात नहीं है इबादत की रात, जगने की रात मत मनाओ। अच्छी रात को जगने की रात से तसव्वुर ना करो, ये जगने की रात, ये इबादत की रात, और ये वो रात है जो सारी रातों से अफज़ल है। और हमें यकीन है कि इस रात में अगर आप की नमाजें कज़ा हुई हुई छूटी हुई, तो इस रात में क्या है, आप उस नमाज को पूरी करो। कुछ लोग कहते हैं कि हम नवाफिल पढ़ेंगे, नवाफिल पढ़ेंगे, नहीं, पहले आपके जिम्मे में जो कज़ा नमाज है ना उसको पूरा करो, तब जाकर के नवाफिल पढ़ा दो। आप जितना जल्दी कज़ा नमाज को पूरा करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक उतने ही आपको कुर्ब मिलेगा। ये मीलाद की रात,
नबी की शान बयान करने की रात, मैं आपकी बारगाह में अरीजा पेश कर रहा हूं कि जिस तरह आपने नबी के इश्क को अपने सीनों में बसा कर रखा है, इसी तरह अल्लाह ने जो हमें हुक्म दिया है, अल्लाह ने जो हमें हम पर फर्ज किया है नमाजों, उस नमाजों की पाबंदी करें, नमाजों की पाबंदी करें। इससे सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आज जो हमारे घर में ना इत्तेफाकियां पैदा हो रही हैं, आज इंशाल्लाह अगर हम नमाजों की पाबंदी करते जाए, नमाजों की पाबंदी, तो हमारे घर से वो ना इत्तेफाकियां बिल्कुल दूर हो जाएंगी। क्यों? इसलिए कि जब नमाज की पाबंदी होगी तो अल्लाह का करम ऊपर होगा, अल्लाह की अता ऊपर होगी, नजरियात आएंगे, एतकादात आएंगे, और ऐसे एतकादात आएंगे। हज़रत अली जब नमाज पढ़ा करते थे तो उनके पैर कांपा करते थे। साहबा ने पूछा, अली आपके पैर क्यों कांपते हैं? तो हज़रत अली ने कहा कि जब मैं नमाज पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं कुल सराब में पड़ा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं जमीन नीचे गिर जाऊँ और जहन्नम में चला जाऊँ। आज हमारा मामला यह है कि हम जब नमाज पढ़ते हैं तो हमारे दिल में ख्याल आता है कि हमने फला दुकान बंद करके आया, कितना ग्राहक आएगा, कितना चला जाएगा। हम अल्लाह के लिए आए, अल्लाह की रजा के लिए आए। और कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे भाई कि कल जुमा का दिन है, अगर खुदा ना खास्ता यहाँ जुलूस निकला, जुमा का दिन है, जुलूस में तो व्यस्त रहेंगे लेकिन जुमा की नमाज गायब हो जाएगी, असर की नमाज गायब हो जाएगी। उनसे कहेंगे नहीं, थक गए हैं हम। अरे जुलूस निकालना कोई वाजिब और फर्ज नहीं है, वो वाजिब और फर्ज नहीं है, नहीं निकालोगे तो कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन नमाज पढ़ना इतना बड़ा फर्ज है कि अगर नहीं पढ़ोगे तो अल्लाह आपके नामे आमान में गुनाह होगा। जिस तरह हम यहाँ पर महफिल मिलाद में बैठकर नबी के आशिक होने का सबूत दे रहे हैं, नबी के आशिक होने का सबूत दे रहे हैं, इसी तरह नमाज पढ़कर अल्लाह के बंदे होने का भी सबूत दे, अल्लाह के बंदे होने का भी सबूत दे। और यहां से जब उठे तो ये दिल में तहिया करके उठे कि मौला आज दिन से हम अपने दिल में, जोर से करने की जरूरत नहीं, अपने दिल में ये तहिया करके उठे, मौला हम आज तक अगर झूठ बोला करते थे तो मौला आज से हम तौबा करते, अगर गीबत किया करते थे तो उससे भी तौबा करते, मौला अगर हमारी जबान बेहयाई बोलती थी उससे भी तौबा करते, मौला अगर हमारा हाथ हराम चीजों को लेने की तरफ जा रहा था उससे भी तौबा करते, हमारे कदम अगर हराम कामों की तरफ बढ़ रहे थे उससे भी तौबा करते। ये चीज तहैया करके जाओ, अगर ये पांच चीजों पर इंसान कंट्रोल कर ले, मैं गवाही देता हूं अल्लाह तबारक व तआला जरूर उसकी बख्शिश फरमा देगा। मगर शर्त ये है कि इन पांच चीजों पर आप हमेशा कायम दायम रखो। और ये बताओ कि सिर्फ जबान से इश्क रसूल मत बोलो कि मैं आशिक रसूल, जबान से मत कहो, आपके किरदार ऐसे होने चाहिए कि दुनिया कहे कि आशिक रसूल, दुनिया कहे कि ये आशिक रसूल है। जैसे कि किसरा के चंद औरतों ने जब सुना कि नबी की आशिक जो है नबी के हुस्न और जमाल के अलावा किसी की तरफ देखना पसंद भी नहीं करते, कहा ऐसी बात नहीं है, मैं यहाँ से चंद औरतों को ऐसा भेजता हूँ जो इतनी हसीन होगी, इतनी जमील होगी कि उसे देखकर नबी के आशिकों सहाबा का दिल मचल जाएगा। कहा भेज करके तो देखो, कैसर किसरा का बादशाह अपने अमरदास से सबसे हसीन और जमील औरतों को मदीने के रास्ते में खड़ा कर देता है। उधर से सहाबा किराम की जात एक चंद से लौटती है, लौटती क्या, जब देखती है कि दूर से देखती है कि कोई शख्स खड़ा है, कोई आशिक रसूल खड़ा है, कोई खड़ी है, कोई ऐसा हसीन और जमील खड़ा है, तो उसके दिल में ख्याल आता है कि कोई नामहरम तो नहीं सही। तमाम सहाबा अपनी निगाहों को नीचे करते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तशरीफ लेकर चले जाते हैं। वहां कैसर किसरा का बादशाह पहुंचता है नबी की बारगाह में, अपने पैगाम को देता है, कहता है चलो सहाबा, वो लौट कर आ रहे थे, मैंने इतने हसीन और जमील लड़कियों को देखे जाता कि उसे देखने के लिए कैसर किसरा के लोग परेशान रहते थे, लेकिन आपके सहाबा ने एक नजर भी इन लड़कियों की तरफ नहीं देखा, आखिर वजह क्या है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने कहा, क्या रे नादाना, जिनकी आंखों में नबी का जलवा जच जाता है, जिनकी आंखों में नबी का हुस्न जच जाता है, रब्बे काबा की कसम, सभी कायनात की चीज उसकी आंखों में फीकी नजर आने लगती है, मेरी आंखों में नबी का हुस्न जच गया है,
है कि नहीं? शक है, हम अपने आप को भी आश्चर्य से कहते हैं, लेकिन आज हमारे नौजवान बच्चों इतनी बदकारियां फैली हुई, बड़े अफसोस के साथ कि हर एक बच्चा मोबाइल पर कॉलेज के जमाने में गैर महरम लड़कियों से चैटिंग कर रहा है, फोन पे बातें कर रहा है, उसके बाद अपने आप को कहता है कि मैं मुसलमान हूं। इश्क़े रसूल हमारे ज़हनो दिमाग में, बताओ वो कौम कैसे आबाद हो सकती है कि एक तरफ उसने रसूल का इश्क़े रसूल का दावा कर रही हो और दूसरी तरफ नबी की नाफरमानी कर रही हो। करना क्या है
वजूद जो तुम्हें दे उसे ले लेना, और जिस चीज से मना करे उसे रुक जाना। मौला करीम की बारगाह में